सियासी हलचल को देख आज पटना का दौरा कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे शपथ ले सकते हैं, लिहाजा अमित शाह और जेपी नड्डा नीतीश कुमार के 9वें शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। बैठकों का दिन रहा शनिवार, बीजेपी आलाकमान ने की बिहार के एनडीए के सहयोगियों के साथ हुई बैठक, कई वरिष्ठ नेता मीटिंग में रहे मौजूद। वहीं पटना में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अगुवाई में विधायक एमएलसी और सांसदों की बैठक हुई। शाम को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, आज सुबह 9 बजे सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय में मौजूद रहने को कहा। वहीं पूरे सियासी घटनाक्रम, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, ना नीतीश कुमार ने कोई इस्तीफा दिया है, ना ही किसी ने कोई समर्थन वापस लिया है। बिहार की स्थिति क्या है, जब पार्टी ये जानेगी तभी कोई फैसला लेगी। आज का दिन जेडीयू के लिए अहम, नीतीश कुमार ने सुबह 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जिसमें आगे की रणनीति पर अंतिम फैसला होगा। जेडीयू कार्यालय की सुरक्षा पहले की तुलना में बढ़ा दी गई, इससे पहले शनिवार चाय पर नीतीश कुमार के साथ कुछ वरिष्ठ जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शनिवार को ही आरजेडी की भी बैठक हुई जिसमें सभी पदाधिकारी और विधायकों ने लालू प्रसाद यादव को कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। वहीं सूत्रों की माने तो पटना में आरजेडी की बैठक के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदरणीय थे और हैं, कई चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों ने हमेशा सीएम को सम्मान किया, हम मंच पर साथ बैठते थे और पूछते थे 2005 से पहले बिहार में क्या था, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर मांझी ने भी अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर रणनीति तय की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आलाकमान और आरजेडी ने मांझी से भी संपर्क किया, हालांकि खबर यह है कि बैठक में मांझी ने दोनों का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। टूट की आशंका के बीच कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया में बुलाई है। शनिवार को भी बैठक बुलाई थी लेकिन कम विधायकों के पहुंचने के बाद बैठक आज के लिए टल गई। सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक होगी, बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बिहार चरण को लेकर चर्चा होनी थी लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी मंथन होगा। बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बीच तेजस्वी यादव के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक, बैठक के बाद मनोज झा ने कहा लालू यादव लेंगे आखिरी फैसला, तेजस्वी यादव बोले बिहार में अभी खेला होना बाकी। बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव, मैंने गठबंधन धर्म निभाया, हम गठबंधन के साथ बने हुए हैं, नीतीश हमारे आदरणीय थे। आज सीएम आवास पर नीतीश कुमार करेंगे बैठक, आज 12 बजे नीतीश कुमार दे सकते इस्तीफा, आज इस्तीफा देकर बीजेपी का समर्थन पत्र देंगे और राजभवन में आज शाम 4 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण। पटना में सियासी हलचल तेज, आज होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक, सुबह 10 बजे सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर बुलाया, आज बीजेपी ने भी सभी विधायकों और पार्टी ऑफिस पर बुलाया है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा एनडीए का अपना महत्व है, एनडीए के नेता जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे, पार्टी जो चाहेगी हम वो करेंगे। बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि 1-2 दिन इंतजार कीजिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा और हम उनके निर्णय का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद साथ में रहेंगे या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह राज्यपाल से मिले, राधामोहन सिंह ने अकेले की राज्यपाल से मुलाकात की, नीतीश कुमार के सवाल पर चुप्पी साधी। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे, राहुल की न्याय यात्रा पर बोला हमला, कहा राहुल जहां जा रहे हैं वहां तोड़ रहे, न्याय यात्रा बन गई है इंडिया तोड़ो यात्रा।
इंडिया गठबंधन पर केसी त्यागी ने भी बोला हमला का झूठ के कगार पर है इंडिया। गठबंधन कांग्रेस के और जिम्मेदाराना रवैये की तार तार किया। नीतीश को मनाने की कोशिशें जारी। नीतीश को लेकर जयराम रमेश का बयान। खड़गे जी ने नीतीश से बात करने की कोशिश की, दो से तीन बार बात करने का प्रयास किया। नीतीश जी का कॉल आया कि वो बेस्ट है। प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए और एक बार नहीं दो तीन बार प्रयास किया। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर रही, कांग्रेस के कारण बिहार में उठापटक हो रही है और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सपा कांग्रेस की डील। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी 11 सीटें। ट्वीट कर कहा कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर अच्छी शुरुआत हुई। इंडिया पीटीए रणनीति का इतिहास बदलेगा। बिहार की सियासी हलचल के बीच आरजेडी जेडीयू की तल्खी खुलकर सामने आई। लालू परिवार पर नीरज कुमार का बड़ा हमला। कहा नौकरी के बदले जमीन लेने के लालू परिवार की है आदत। गृहमंत्री अमित शाह से हुई जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात। मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, मैंने अमित शाह जी को अपनी चिंताएं बताई। कहा हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी, हेमा मिश्रा समेत अन्य आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। राव जमीनी कोर्ट ने जारी किया है समन। 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा। दिल्ली के राव जमीनी कोर्ट ने यह फैसला ईडी की ओर से दायर की गई पहली चार्जशीट पर फैसला सुनाया, जिसके तहत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को ईडी ने 29 जनवरी को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ लालू के बेटे तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है। साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में पीएम राम मंदिर सहित अन्य मुद्दों पर साझा करेंगे अपने विचार। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह को करेंगे संबोधित। आज सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 74 साल पूरे हो रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ डिजिटल कोर्ट 2.0 और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के साथ नई सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट का अनावरण करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दो दिन के अवकाश के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से फिर शुरू होगी, ये जानकारी पार्टी नेता जयराम रमेश ने दी है। 30 जनवरी की रात को न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल वापस पहुंचेगी और 31 जनवरी को मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूमि से होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी। वही ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के एक और झटका दिया। बंगाल पुलिस ने दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को परमिशन नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने तकरार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम ममता को चिट्ठी लिखी। खड़गे ने सीएम ममता को सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज उत्तराखंड दौरा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार देहरादून आएंगे, साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मुहारा भी जनसभा में शामिल होंगे। हरियाणा में आपका चुनावी शंखनाद। सीएम केजरीवाल और भगवत मान बदलाव रैली से करेंगे चुनावी आगाज। आपने हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा का आयोजन किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क कर कहा गया, कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे फिर एमएलए को तोड़ेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा शराब घोटाले की जांच के लिए गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। 9 सालों में कई षड्यंत्र किए गए। आप सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायक तोड़ना चाहती है, दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रच रही है बीजेपी। लगता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे, तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
आतिशी के बयान पर हरीश खुराना ने किया पलटवार, कहा आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। मैं चुनौती देता हूं कि आप उनका नाम बताएं जो एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है। मैं चुनौती देता हूं आतिशी जी, आप उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आपके विधायक को खरीदने की कोशिश करी। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म, मनु जारंगे ने किया ऐलान, अध्यादेश मसौदा मिलने के बाद की घोषणा, जारंगे बोले हमारी मांगे मान ली गई। वासी में हजारों की तादाद में मराठा समाज के लोग रहे मौजूद, जारंगे ने कहा हमारा विरोध खत्म हुआ, सीएम शिंदे के हाथों जूस पीकर तोड़ा अनशन। जारंगे की सभी मांगों को लेकर अध्यादेश निकाला गया, अध्यादेश की कॉपी मनु जारंगे को सौंपी गई, जारंगे ने शिवाजी महाराज के पुतले पर किया माल्यार्पण। सीएम शिंदे ने कहा मराठा समाज ने कई व्यक्तियों को बड़ा नेता बनाया, मैंने भी सार्वजनिक तौर पर शपथ ली थी और आज वो शपथ हमने पूरी भी की। शिंदे ने कहा कुनबी के रिकॉर्ड मराठावाड़ में नहीं मिलते थे पर अब मिलने लगे हैं, हमारी सरकार की मानसिकता देने की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 9 माह समन, खदान घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी को बीच किया तलब। ईडी ने सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा, जो डेट सीएम हेमंत अपने लिए ठीक समझे उसे डेट पर अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। ईडी के 9वें समन पर हेमंत सोरेन का आया जवाब, कहा 31 जनवरी तक व्यस्त रहेंगे इसलिए पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते, 27 से 31 जनवरी तक सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर कर चुकी है ममता बनर्जी ने अब केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा समय सीमा के भीतर अगर केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं करती है तो पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। बकाए के भुगतान के लिए पीएम से मिल चुकी हैं सीएम ममता, ममता ने कहा पीएम ने प्रस्ताव दिया कि राज्य और केंद्र के अधिकारी एक साथ बैठकर मुद्दों को सुलझा सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद बरामद के साथ लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, कुपवाड़ा के करनाह इलाके में एलओसी गांव के पास पुलिस ने की कार्रवाई।